अस्सलाम वालेकुम क्लास फॉर होप्स ऑल योर फाइन एट होम। सो टुडे आज जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। होप सो आपने लास्ट वाले जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो थे वो लिख के याद कर लिए होंगे। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 लिखेंगे नोट्स बुक्स पे। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैंशन सीरियल नंबर। माइन इज 6, डेट इज 22, 3 एंड 21। यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो आज हम लिखेंगे। तो पेज नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेंशन डे। टुडे इज मंडे, MONDAY मंडे, एंड द डेट इज 22, 3 एंड 21। यूनिट नंबर क्या है हमारा स्टूडेंट्स? गुड, यूनिट नंबर 2। अब रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। टॉपिक क्या है, क्या लिख रहे हैं आज हम? गुड क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट टू अडेप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। हमने बताना है कि जो प्लेन एरियाज में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अडेप्टिव फीचर्स बताने हैं कि वो किस तरह वहाँ के क्लाइमेट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, राइट टू, राइट का W कैपिटल आएगा, WRITE। स्टूडेंट्स मैं जो है वो पॉइंटर से लिख रही हूँ लेकिन आपने जो है वो लेड पेंसिल से लिखना है। राइट टू, TWO2, अडेप्टिव, ADAP, TIVET, अडेप्टिव फीचर्स, FEA, FETURES, चर्स फीचर्स, OFO, फीचर्स ऑफ, PLANT, फीचर्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग, GROWING, ग्रोइंग इन प्लेन्स, PLANS, प्लेन्स। अब हमने प्लेन एरियाज के जो प्लांट्स पढ़े थे हमने क्या देखा था कि प्लेन एरियाज के प्लांट्स में जो हैं वो गुड के उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, दे हैव मैनी ब्रांचेज। और क्या, और किस तरह के क्लाइमेट में वो रहते हैं? गुड हॉट क्लाइमेट में वो इजीली जो है वो सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि वो ऑटम में अपने जो लीव्स हैं वो शेड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे दे हैव HAVE, दे हैव मैनी MANY मैनी ब्रांचेस, BRANCHES। हमने यही पढ़ा था ना कि ये बहुत थिक होते हैं, घने ट्रीज होते हैं ना, घने दरख्त होते हैं, तो दे हैव मैनी ब्रांचेस। हमने जो है वो 2 फीचर्स लिखने हैं तो 1 हो गया एंड सेकेंड वन इज दे सर्वाइव, SERVIVE, सर्वाइव, दे सर्वाइव इन वेरी हॉट, HOT हॉट क्लाइमेट, CLIMATE, के ये जो हैं वेरी हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, ये बहुत घने दरख्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, व्हाट आर ब्रीदिंग रूट्स, W कैपिटल आएगा, WHAT, व्हाट, ARE, व्हाट आर ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग रूट्स, ROTS। वो कह रहे हैं कि ब्रीदिंग रूट्स क्या होती हैं। ब्रीदिंग रूट्स हमने कहाँ पढ़ी थी? गुड, हमने पढ़ी थी स्वैम्पी एरियाज में जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती हैं? ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैंग्रोव ट्री हमने देखा था तो उसकी ब्रीदिंग रूट्स थी। ब्रीदिंग रूट्स कौन सी होती हैं? क्या पढ़ा था हमने?
यस गुड वेरी गुड. ब्रीदिंग रूट्स जो हैं वो अबव द ग्राउंड जो है वो ग्रो करती हैं. ऐसी रूट्स जो ज़मीन से बाहर ग्रो करती हैं उनको हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स. तो हम क्या लिखेंगे अब आंसर? रूट्स विच WHICH विच रूट्स विच आर ग्रो above 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 the ground GROUND roots which are grow above the ground are called क्या कहते हैं हम उन्हें? good हम उन्हें कहते हैं breathing roots BREATHING breathing roots ROTS. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर ये हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 5 हैं ये टोटल. फिफ्थ वाला है नेम द 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. नेम NAME नेम द 3 THRE 3 टाइप्स TYPES टाइप्स ऑफ एक्वेटिक. एक्वेटिक किसको कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स किन्हें कहते हैं? गुड पानी के पौधों को एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स अब हमने बताने हैं. मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया है उस पर मैंने अगेन जो है वो डे एंड डेट मेंशन की है और यूनिट भी मेंशन किया है. तो अब जो है हम एक्वेटिक प्लांट्स की 3 टाइप्स थी ना हमने पढ़ी. कौन कौन सी थी? गुड फिक्स्ड प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. नंबर 1 इज फ्लोटिंग प्लांट्स FLOAT फ्लोट ING फ्लोटिंग PLANTS फ्लोटिंग प्लांट्स. नंबर 2 फिक्स्ड प्लांट FIXED फिक्स्ड PLANTS प्लांट्स. एंड द लास्ट वन इज अंडर वाटर प्लांट्स UNDER अंडर WATER वाटर अंडर वाटर प्लांट्स. पेज नंबर इज 11 और ये 11 के बाद अब ये 12 ठीक है बच्चों. अब आपने ऐसे ही अपनी नोटबुक्स पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 लिखना है और फिर उसको याद करना है और फिर उसको ज़ुबानी लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है. फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है. ओके स्टे ब्लेस्ड स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.